आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम चकरपुर में आ पहुंची है और चकरपुर में इस वक्त हम श्री बनखंडी महादेव मंदिर में उपस्थित हैं और महादेव मंदिर में दर्शन के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। और इस मंदिर की महिमा यूँ तो अपने आप में अपरंपार है और इस मंदिर की महिमा के आधार पर मंदिर विभिन्न श्रद्धालुओं को अपने इस प्रांगण में एकाएक आकर्षित करता है। इस मंदिर की महिमा के बारे में जानने के लिए हम आज यहाँ के पुजारी श्री भुवन चतुर्वेदी जी से बात करेंगे और चतुर्वेदी जी से जानेंगे कि इस मंदिर की क्या ऐतिहासिक भूमिका रही है। नमस्कार, यह जो बनखंडी महादेव मंदिर है इसकी जो यहाँ पर आधारशिला रखी गई वो आदिकाल में पांडव द्वारा रखी गई है। जब पांडव अपने अज्ञात वास के लिए देवभूमि को निकले थे तो पहले यहाँ थारू जनजाति लोग अधिक संख्या की उनकी गायें हिमालय भी देखे इस महादेव के शिवलिंग के ऊपर स्वयं दूध धारा देती थी। तो थारू जनजाति लोगों ने पांडवों को जाते हुए मंदिर समझ के उन्हें रोका और उनसे बातें पूछी कि ये क्यों होता है, हमारी गाय हम घर में पालते हैं, चारा इत्यादि खिलाते हैं, वो यहाँ आगे दूध देती है, घर में दूध नहीं देती है। इसलिए पांडव ने इसकी खोज भी की, वो तो स्वयं हमसे थे भगवान के। तो ये शिवलिंग का हमने उत्पत्ति हुई पूजा वो शुरू करके हुए तब से इसके आदिकाल से पूजा जी। ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ की जो महिमा है और क्या इस महिमा का प्राकट्य आपने स्वयं अनुभव किया है? हाँ, पहले से बताते हैं कि हमारे नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र जिस शिवरात्रि महाशिवरात्रि को पड़ता है, रोहिणी नक्षत्र आता है, उस दिन यह स्वयं भोलेनाथ भगवान रोहिणी नक्षत्र आने पे अपने सप्त रंगों को दिखाता है। ये इसका एहसास मैंने 2017 को महाशिवरात्रि पर्व पर रोहिणी नक्षत्र के कुछ अंश पढ़े थे, तब मैंने अपनी आंखों से इसको जो हमारे महादेव में ये लाइन है ये हल्के गुलाबी कलर की देखी। तो मैं भी अचानक दो तीन लोगों से मैंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, लोग बोले ये तो होता ही है यहाँ। तब उस दिन मेरे को कुछ विश्वास, कुछ आस्था, कुछ और अत्यधिक बढ़ी कि हाँ, इसके लिए मैंने बातें सुनी थी वो मैंने सत्य होते हुए देखा। और ये जो है यहाँ पर एक कई लोग अपनी आस्था को लेके रोते चिल्लाते आते हैं। मैंने खुद देखा है कि करीब एक डेढ़ साल पहले एक दंपत्ति लोग आए थे जिनकी संतान नहीं थी, वो राजवंता के थे, वो यहाँ आए और वो रोते हुए आए थे, बिल्कुल दोनों रोए। मैंने पूजा कराई, एक साल बाद गोद में एक छोटा सा बच्चा लेके आए, बोले कि हाँ कुछ हमने एहसास किया, क्या फल मांगा। तब से कई ऐसी घटनाएं हुई है मेरे को जो बहुत ही अपने महत्वता है भोलेनाथ की। और इसका जो है यहाँ पर पांडवों ने इसकी स्थापना इसी शिवलिंग की करी, यहीं पर गाय दूध चढ़ाती थी और उन्होंने देखा कि थारू जनजाति लोगों ने उनने इसकी यहाँ पर पवित्रता देखी तो गाय हकीकत में यहाँ शिवलिंग के पुटलिंग भोलेनाथ मिले। और वर्तमान में महाशिवरात्रि महापर्व मेला 10 से 12 दिन का यहाँ लगता है और उसमें लोग दूर से श्रद्धालु यहाँ आके जल दूध का स्नान कराते हैं बहुत ही मान्यता के साथ। और पवित्र माह सावन माह में, ये जो वर्तमान में माघ के महीने में आदि नवरात्रियों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और वर्तमान में यहाँ शादी अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, कालसर्प योग पूजा, नवग्रह पूजा आदि कर्म नित्य प्रतिदिन होते रहते हैं।
मंदिर में क्या कभी मेला आयोजित किया जाता है? हाँ, फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में भव्य मेला लगता है, जिसमें आसपास के खटीमाएँ विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ जल दूध आदि का स्नान कराते हैं और यहाँ का मेला हर वर्ष शिवरात्रि के दिन से शुरू होके 10 दिन का मेला चलता है और दूर देश नेपाल से भी यहाँ यात्री दर्शन को आते हैं और मेले में भ्रमण करने आते हैं और होली के तत्पश्चात यहाँ माता पूर्णागिरी के धाम में जो मेला लगता है, समस्त जो यात्रीगण हैं सब यहीं पर विश्राम करते थे, अपनी यात्रा को यहाँ पर विश्राम देते हुए यहाँ नहाना धोना इत्यादि भोजन करके ही माता के दरबार को बढ़ते हैं। 3 महीने लगातार यहाँ हर वर्ष माता पूर्णागिरी के धाम में जाने वाले पुजारी भी रहते हैं और इस बार मेला 18 फरवरी से 2 मार्च तक रहेगा, जिसमें दूर दराज से लोग, व्यापारी लोग भी, राजस्थान बड़े बड़े शहरों से व्यापारी लोग आते हैं और हमारे विभिन्न क्षेत्र के लोग बहुत संख्या, अत्यधिक संख्या में यहाँ भीड़ होती है। इस भोलेनाथ की महिमा तो अनन्य है। धारा बह रही है उसमें अवगाहन करने का आज हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर व्यास जी अपने स्थान पर विराजमान होंगे। आते हैं तो सीधे खटीमा होते हुए खटीमा से 7 किलोमीटर की दूरी पर मेन नेशनल हाईवे के किनारे ही ये मंदिर पड़ता है और इधर पहाड़ों से हम आते हैं तो टनकपुर से 27 किलोमीटर दूर बनवासा के 4 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे के किनारे पे ये मंदिर है। आप कभी आइए तो बनवासा और खटीमा के बीच में ये मंदिर विराजमान है।